तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इस द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये आज का हमारा नागेश ट्रॉफी टूर्नामेंट का दूसरा वीडियो आने वाला है। नागेश ट्रॉफी का पहला वीडियो आउट हो चुका है, कल ही हमने ग्रुप ए को एनालाइज किया है, पूरे शेड्यूल को आपके सामने रखा है। और आज के दिन हम पूरे के पूरे शेड्यूल को ग्रुप बी के रखेंगे आपके सामने और एनालाइज करेंगे। फिर हम आखिरी में, जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है, प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सी टीमें टॉप टू पे जा सकती है। तो पहले हम शेड्यूल पे आते हैं। उससे पहले बता दें, जो कर्नाटका की जो एसोसिएशन है, कर्नाटका इस बार होस्ट कर रहा है कर्नाटका इस ग्रुप बी को। और कर्नाटका इस समय इस बार अपने मैचेस को करवाएगा बेलगांव में। बेंगलोर में मैचेस होते थे नॉर्मली, लेकिन इस साल काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि बेलगांव में मैचेस होंगे और एक नई जगह पे क्रिकेट आएगा, ब्लाइंड क्रिकेट आएगा। और आई थिंक यहाँ के जो निवासी हैं उनको ब्लाइंड क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी बात रहेगी कर्नाटकन प्रस्पेक्टिव से, कर्नाटका के स्टेट के खिलाड़ियों के लिए भी, जो नए खिलाड़ी जो कि और आगे ब्लाइंड क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशनल वाला मूव होगा। बेलगांव के लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग मूव हो सकता है ये। तो हम चलते हैं दोस्तों, और हम बात करेंगे पहले दिन, जो कि 5 फरवरी होने वाला है पहला दिन इस ग्रुप का। 5 फरवरी को ग्रुप बी के पहले मुकाबले, मतलब ग्रुप बी के मुकाबले आगाज़ हो जाएंगे बेलगांव। यहाँ पर मैचेस का वेन्यू होने वाला है, जैसा कि मैंने बोला, KCA स्टेडियम। और पहले दिन हमें मिल जाएगी 4 टीमें खेलते हुए। पहले दिन उत्तर प्रदेश को मिलेगा रेस्ट और बाकी टीम्स खेलेंगी अपने अपने मुकाबले। तो पहले दिन मैचेस में रहेंगे, सबसे पहले रहेगा कर्नाटका और गोवा का, जो रहेगा आगाजी मुकाबला, सलामी मुकाबला इस पूरे के पूरे ग्रुप बी के मतलब मुकाबलों का। तो इस ग्रुप बी में सबसे पहले मैच रहेगा कर्नाटका गोवा का, काफ़ी क्रूशल गेम दोनों ही टीमों के लिए। उसके बाद रहेगा दूसरा मुकाबला, जो कि रहेगा 1 बजे। पहला मैच 9 बजे शुरू हो जाएगा, यानी कि भारतीय टाइम अनुसार 9 बजे पहला मैच शेड्यूल अनुसार शुरू हो जाएगा। और 1 बजे दूसरा मैच उसी वेन्यू पे होगा, वो रहने वाला है काफ़ी क्रूशल मुकाबला। यहाँ पर आपको मिलेगी महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल खेलते हुए, और उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने बोला, पहले दिन रेस्ट कर रहा है। दूसरे दिन काफ़ी क्रूशल मुकाबला रहेगा 6 फरवरी के दिन। यहाँ पर रेस्ट डे मिलने वाला है महाराष्ट्र को, जहाँ पर कर्नाटका अपना मुकाबला खेलेगा एक बार फिर से सुबह 9 बजे अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल। और गोवा अपना मुकाबला खेलेगा उत्तर प्रदेश के विरुद्ध। उत्तर प्रदेश का ये पहला मुकाबला रहेगा। उत्तर प्रदेश अपने इस पूरे के पूरे नागेश ट्रॉफी के सफ़र की शुरुआत करने वाला रहेगा अगेंस्ट गोवा। तो एक काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पे कह सकते हैं कि मुकाबला होने वाला है दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। उसके बाद 7 तारीख को रहेगा एक और दिन, जहाँ पे गोवा की टीम को मिलेगा रेस्ट। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 और मैचेस, जहाँ पे आपको खेलते हुए नज़र आएंगे वेस्ट बंगाल की टीम अगेंस्ट दी उत्तर प्रदेश, और कर्नाटका की टीम खेलेगी महाराष्ट्र के विरुद्ध इस पूरे के पूरे दिन में। और गोवा को मिलेगा इस टूर्नामेंट में रेस्ट। उसके बाद 8 तारीख को मैचेस यहाँ पर वापस शुरू होंगे, जहाँ पे कर्नाटका की टीम अपना मुकाबला खेलेगी अगेंस्ट, जो कि कर्नाटका टीम को आपको रेस्ट मिलेगा। जी हाँ, 8 तारीख को कर्नाटका को रेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम अपना मुकाबला खेलेगी अगेंस्ट दी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर गोवा खेलेगा अपना मुकाबला वेस्ट बंगाल के विरुद्ध। ये रहेगा 8 तारीख को पूरे के पूरे फॉर्मूले इसमें। तो पहला मुकाबला ऑफकोर्स रहेगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का, और फिर गोवा और वेस्ट बंगाल खेलेंगे दोपहर में। उसके बाद तीसरा अंतिम दिन रहेगा 9 फरवरी को, और 9 फरवरी की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की और टीम और गोवा की टीम। ये रहेगा आई थिंक मैच डिसाइडिंग एनकाउंटर, और आखिरी दिन सेटअप किया गया है काफ़ी बेहतरीन। आखिरी दिन तक हमें पता नहीं रहेगा कि टॉप टू पे कौन जा सकता है, ऐसी मेरी एनालिसिस कहती है। मैं आऊँगा एनालिसिस में, थोड़ा डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे हम। पर 9 तारीख को अंतिम दिन रहेगा, जहाँ पे आपको गोवा खेलते हुए मिलेगा महाराष्ट्र के विरुद्ध। और आखिरी जो मुकाबला रहेगा इस ग्रुप का, जहाँ पे आपको कर्नाटका मिलेगा उत्तर प्रदेश के विरुद्ध, वेस्ट बंगाल को मिलेगा रेस्ट, और इस तरह से ग्रुप बी ख़त्म हो जाएगा।
सबसे चैलेंजिंग ग्रुप नागेश ट्रॉफी का अगर आप किसी ग्रुप को कहोगे तो वो रहेगा ग्रुप बी, ग्रुप ऑफ डेट्स में एक कहेंगे, आई थिंक टेरेबल ग्रुपों में एक रहने वाला है। और पांचों टीम अगर आप देखो तो ऑन देयर गिवन डे वो कुछ भी कर सकते हैं। अगेन वेस्ट बंगाल के ऊपर आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत वो लैक कर ले, लेकिन बाकी तीन टीमें तो बहुत ही बेहतरीन है और वेस्ट बंगाल भी बेहतरीन है। अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल ने काफ़ी अलग अलग तरह के कह सकते हैं अभी भी प्लेयर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं B2, B3, B1 दोनों ही। और वेस्ट बंगाल की जो एसोसिएशन है, वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है वो भी, और लगातार लोग सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, हर एक्सपेक्ट में बाकी एसोसिएशन से ज़्यादा एक्टिव है वेस्ट बंगाल का एसोसिएशन। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल ने पिछले कुछ समय से ट्रमेंडसली इम्प्रूव किया है और इस साल भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है वेस्ट बंगाल एसोसिएशन को, उनके प्लेयर्स से और पूरे वेस्ट बंगाल को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहने वाले हैं। और अगर वेस्ट बंगाल को इस टूर्नामेंट में टॉप टू पे जगह बनानी है तो काफ़ी इनक्रेडिबल खेल दिखाना होगा, काफ़ी ज़रूरी रहेगा वेस्ट बंगाल के लिए कि बहुत अच्छा खेले वो। उसके अलावा देखें उत्तर प्रदेश, पिछले साल इन्होंने अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत बड़ा जंप लिया, लीप लिया और क्वार्टर फाइनल्स खेले थे उत्तर प्रदेश, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा इस साल उस तरह के परफॉर्मेंस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना। पिछले बार अगर हो गया तो लोग बोल रहे हैं फ्लूक में हुआ ये वो, हालांकि ये फ्लूक की बात नहीं होती है, क्रिकेट में तुक्का कभी नहीं होता, लेकिन काफ़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की टीम में क्रेडेंशियल्स हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं जो हमें पिछले बार दिखा ग्रुप बी में खेलते हुए। उत्तर प्रदेश ने अपने पोजीशन को सिक्योर किया और वो क्वार्टर फाइनल्स खेले, तो उत्तर प्रदेश की टीम पहले क्वार्टर फाइनल्स खेल चुकी है तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश इस बार भी अपने प्रदर्शन को बुरी तरह से खरा उतरे, अपने प्रदर्शन पे अच्छी तरह से खेले वो अपने मैचेस। लेकिन काफ़ी क्रूशल रहेगा कि उनको भी पता है उनके सामने कॉम्पिटिशन्स काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और अब हम आते हैं इस ग्रुप के ट्रायो यानी टॉप थ्री टेरेबल टीम्स के ऊपर। हालांकि कर्नाटका लीग से हटके है, कर्नाटका विल टॉप दिस ग्रुप फॉर श्योर, जो कि लग रहा है कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है किसी के भी कर्नाटका के गेम्स जीतने के। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटका आराम से इस ग्रुप में अनडिफीटेड रहेगा, लेकिन एक बात बता दूँ आपको, जहाँ पे अपसेट होने के चांसेस है वो यही ग्रुप है, या तो महाराष्ट्र या तो गोवा या उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। चारों टीमें वो क्षमता रखती हैं कि ऑन देयर गिवन डे वो कर्नाटका को हरा सकती हैं, और स्पेशली महाराष्ट्र और गोवा को वो के पास तो वो क्षमता है। तो यही है कि आपको कुछ बेहतर ही करना होगा कर्नाटका के अगेंस्ट, आप कर्नाटका को हराना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से अपने गेम में बेस्ट से भी बेस्ट परफॉर्म देना होगा। और कर्नाटका की टीम देखें ओवरऑल आप लाइटली नहीं ले सकते इस ग्रुप को, हालांकि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि कर्नाटका टॉप करेगा इस ग्रुप में, कोई समस्या ही नहीं रहेगी, लेकिन आप हल्के में नहीं ले सकते, यही कहना है मेरा। आप इस ग्रुप में कर्नाटका की टीम ये नहीं रिलैक्स नहीं कर सकती कि चलो वी आर इन टॉप ये बिना मैचेस खेले कह के, तो हालांकि टॉप पे कर्नाटका रहेगी ये प्रेडिक्शंस कह रही है मेरी आसानी से एनालिसिस, जितनी हम सब जानते हैं चैंपियन टीम है कर्नाटका, लगातार दो बार रनर्स अप रहे हैं, उम्मीद है कि इस साल वो टाइटल भी लिफ्ट कर ले। आंध्रा को दोनों बार, एक बार उड़ीसा से आ रहे हैं, एक बार आंध्रा से आ रहे हैं नागेश ट्रॉफी में, उम्मीद है कि इस बार वो अपना टाइटल ज़रूर ले ले। उसके अलावा देखें तो महाराष्ट्र एंड गोवा, अगेन ये काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है टॉप टू के पोजीशन को बैटल आउट करने के लिए। दोनों टीमें काफ़ी नेक टू नेक हैं, जितना मैंने यहाँ पे देखा पर्पल फेस्ट में भी महाराष्ट्र की टीम ने अपनी मतलब आप बोल सकते हो सेकंड 11 टाइम्स भेजी थी। अगर आपको याद है तो इन दोनों टीमों के बीच में राइवलरीज काफ़ी पुरानी हैं, लास्ट आप बोल सकते हो 2-3 सालों से इन दोनों टीमों ने काफ़ी क्रिकेट खेला है आपस में, काफ़ी टूर्नामेंट्स रहे हैं। अगर हम फ्रेंडशिप ट्रॉफी उठा ले, फिर बाद में अलग अलग लेवल पे इस तरह से टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज खेले हैं साथ में एक दूसरे के विरुद्ध। और ऐसा है कि क्योंकि दोनों एक ही एथनिसिटी मराठी एथनिसिटी से आते हैं, तो दोनों ही टीमों के प्लेयर्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, दोनों ही टीमों को एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता है, तो काफ़ी नेक टू नेक मैचेस होने की एक्सपेक्टेशंस है और उम्मीद है, आशा है कि बहुत ही तगड़े मैच हमें हो। हालांकि एज अ लाइक बोल सकते हो कि एज अ महाराष्ट्रियन और एज अ मराठी एथनिसिटी वाले लोग ये चाहते हैं कि भाई टॉप टू पे महाराष्ट्र एंड गोवा रहें, बट रियलिटी इज़
फार फ्रॉम अवे कर्नाटका विल डेफिनेटली टॉप द ग्रुप, पर अगर इन केस कर्नाटका को हराने में कोई भी कामयाब हुआ है तो वो टीम ऑब्वियसली एज ले लेगी, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि कर्नाटका को आप टॉप टू से हटा नहीं सकते हो ऑब्वियसली। तो ऐसा सीन है कि यहाँ पे सिचुएशन एक प्लेस को यानी लेने का है, और जितना मैंने देखा है दोनों टीमें बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन लास्ट मतलब फ्यू ओकेजन्स में जब टीमें खेली है एक दूसरे की के विरुद्ध, तब भी हम देखें तो पिछले बार जब महाराष्ट्र खेले फाइनल्स में तो इट वॉज टफ अगेंस्ट गोवा, वो लोग जीते, पर गोवा की भी सेकेंड लाइनअप खेल रही थी उस टाइम पे, जो फ्यू मेन प्लेयर्स थे दे वर मिसिंग। उसके अलावा देखें उसके बाद जब महाराष्ट्र गोवा के मैचेस हुए फिर से एक बार, इस बार गोवा ने जीता तो टाइट टर्न्स हुए, और एक के बाद एक आप बोल सकते हो पहले फ्रेंडशिप ट्रॉफी में जब कह सकते हैं मेन लाइनअप था तो हमने 3-0 देखा, वाइट वॉश गोवा ने किया महाराष्ट्र को। उसके बाद जब महाराष्ट्रीयन टीम गोवा में आई खेलने के लिए तब उन्होंने गोवा को अब बोल सकते हो दोनों गेम्स हरा के ऑलमोस्ट वाइट वॉश कर दिया। तो ये बोल सकते हैं कि चैलेंजेस दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने बहुत ज़्यादा बड़ा पोजेस करेंगी, और प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सी टीम टॉप टू पे एंट्री लेने वाली है, लेकिन अगेन थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स गोवा, बिकॉज सी महाराष्ट्र की टीम में देर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड, मतलब आप बोल सकते हो बंच ऑफ टैलेंटेड पीपल आउट देयर, लेकिन द समस्या महाराष्ट्र की टीम जो पोजेस करती है वह है कि आप पिछले सीजन को उठा के देखो तो एक मतलब आप बोल सकते हो टीम एक धागे पे पिरोने के लिए ऐसा कोई लीडरशिप की रिक्वायरमेंट नज़र आती है, जैसा कि कल मैंने देखा था पिछले मतलब हम देखे रहे हैं पिछला सीजन उठा के देख लेते हैं आप, जब अगेंस्ट ए ग्रुप में थे तो महाराष्ट्र कुड वन, महाराष्ट्र एक मैच भी अच्छे से नहीं जीत पाया, इवन गुजरात के विरुद्ध वो लोगों को काफ़ी बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी, कर्नाटका आंध्रा अगेन सारी टीमें ने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, एक ही मैच महाराष्ट्र जीता उस पूरे ग्रुप में। तो आई थिंक समस्या महाराष्ट्र की टीम के साथ यही है कि एक लीडरशिप का रोल वो लैक कर रहे थे, काफ़ी मेहनत की है महाराष्ट्र की टीम ने, उम्मीद है कि वो अच्छा खेले इस सीज़न, और यही उम्मीद हम सभी टीमों से करते हैं कि अच्छा खेले। और ऑफकोर्स गोवा की टीम में हम यहाँ पे देख सकते हैं पिछले सीजन में गोवा की टीम खेल रही थी एक आप बोल सकते हो टेरेबल सरकमस्टेंसेस के होकर, ऊपर राजस्थान और जम्मू कश्मीर और गोवा वो तीनों टीमें कम्पीट कर रही थी एक यहाँ पे एक स्पॉट के लिए, और वहाँ पे अगेंस्ट जम्मू कश्मीर गोवा ने एक टेरेबल ब्लंडर कर दिया था पिछले सीजन, और उस टेरेबल ब्लंडर के वजह से दे लॉस्ट देयर स्पॉट, वहाँ से लेके कोई मौका ही नहीं आया, फिर राजस्थान से भी हार गए। तो आई वुड से कि गोवा की टीम को यहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल भी, वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक एक मैच इज़ काफ़ी क्रूशल और काफ़ी इम्पोर्टेंट, और उम्मीद यही है कि इस बार गोवा की टीम बढ़िया खेले, और पिछले कुछ टाइम से गोवा की सेकेंड 11 खेल रही थी, हमारे मेन उनके प्लेयर अभी कह सकते हैं स्टिल मिसिंग थे, लेकिन इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के लिए सारी टीम एकदम स्ट्रेंथन अप होकर आएगी, पूरी टीम अपने पूरे क्रेडेंशियल्स के साथ खेलेगी, तो काफ़ी उम्मीद है कि वो अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देकर दे गोवा की टीम। और काफ़ी निगाहें हम अगर हम देखें तो कल के टूर्नामेंट हम कल के वीडियोस पे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर नहीं कर पाए थे, इस वीडियो पे ज़रूर हम प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर करेंगे, और अभी से कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा कि कल का वीडियो पे हम प्लेयर्स टू वॉच आउट नहीं कर पाए, मैं कल सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ। और अगर आप कमेंट करते हैं कि ग्रुप ए के प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर अगर आप हमें बताएं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है, अगर आप कमेंट करें तो ही हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, छोटा सा ही वीडियो 2-3 मिनट का ग्रुप ए के प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, और ये एक हमारा नया एडिशन रहेगा इस शो में, हर ग्रुप के एनालिसिस और टॉप टू प्रेडिक्ट करने के बाद आखिरी में हम प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर करेंगे, और इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर हमारी टीम से हमारे रब से रहेंगे, ऑफकोर्स सुनील रमेश मेन स्टार रहेंगे, प्रकाश मेन स्टार रहेंगे, मेन स्टार्स में अगर हम देखें तो आपको काफ़ी क्रूशियल नाम फिर से अक्षय बोरेकर नज़र आएंगे गोवा की टीम से खेलते हुए, उसके बाद महाराष्ट्र से तो बहुत सारे स्टार्स निकल कर आ रहे हैं, फ्यू ऑफ देम अगर आप नेम करो तो काफ़ी क्रूशियल उनके तरफ से आप बोल सकते हो, अभिजीत है काफ़ी बढ़िया नाम है, और जो उतना मैंने डोमेस्टिक सर्कल में उनको फॉलो किया है, एक और B1 खिलाड़ी है जिसके ऊपर आपको निगाहें रखनी पड़ेगी, अजय के ऊपर काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि आप बोल सकते हो कि जिन पे आपको निगाहें रखनी वाली है, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। बंगाल के लिए
आप शुभेंदु के ऊपर बोल सकते हो, इंटरनेशनल में सिलेक्ट होकर आए हैं, B1 खिलाड़ी हैं, काफ़ी क्रूशल रहेगा उनका परफॉर्मेंस लेना। तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर काफ़ी है, काफ़ी हम मिस भी कर लेंगे, तो भाई मिस करेंगे तो आप ये मत बोल देना कि यार मिस कर दिया आपने, हम कमेंट, आप अगर कमेंट करोगे कोई और प्लेयर्स टू वॉच आउट मतलब आप बोल सकते हो तो अब हम ज़रूर उसके ऊपर भी एक सेपरेटली बोल देंगे आपको। तो मुझे लगता है कि ये हम कर देते हैं एंड इस वीडियो को, काफ़ी लंबा वीडियो हो तो रहा है ऑलरेडी। मैंने जैसे कि प्रेडिक्शंस दे दिए हैं, मेरे हिसाब से प्रेडिक्शंस के, मेरी जो प्रेडिक्शंस कहती हैं कि इस ग्रुप में जो टॉप टू टीम्स होने वाली हैं वो होने वाली हैं, सबसे पहले पोजीशन पर रहेगी कर्नाटका और सेकंड पोजीशन गोवा ले लेगा। आखिरी मैच में महाराष्ट्र और गोवा, वो डिसाइड करने वाला है कि दूसरी पोजीशन कौन सी टीम लेगी, और काफ़ी क्रूशल रहेगा दोनों ही टीमों के लिए, महाराष्ट्र और गोवा दोनों के लिए, कि दूसरी पोजीशन वो ले, क्योंकि दोनों ही टीमें एक्सपेक्टेशंस के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में आएंगी।